केंद्र और राज्य सरकार की योजना जमशेदपुर की जमीन पर उतरे, इसे लेकर नगर विकास विभाग की तरफ से किफायती आवास योजना के तहत जमशेदपुर में 2 कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा है। वैसे एक कॉलोनी गांधी आश्रम जो कुष्ठ रोगियों के लिए होगी और दूसरी कॉलोनी शहर के बाहरी इलाके में होगी। गांधी आश्रम में 120 फ्लैट होंगे और दूसरी जगह 254 फ्लैटों का निर्माण होना है। इस योजना को अविलंब धरातल पर उतारने को लेकर नगर विकास विभाग भी तैयार है। नगर विकास विभाग के डायरेक्टर विजय यादव जो शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां बैठक की और जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। बैठक में नगर विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कुष्ठाश्रम में बनने वाले मकान की कीमत लगभग 10,25,000 रुपए रखी जा रही है, जिसमें 1,50,000 रुपए केंद्र सरकार और 1,00,000 रुपए राज्य सरकार और बाकी बचे 7,75,000 रुपए लाभुकों को देने होंगे। जमशेदपुर में 2 कॉलोनीज का प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो एक जगह पे जैसे गांधी आश्रम में 120 घर बनने वाले हैं और दूसरी जगह पे 254 घर का निर्माण होना है। तो इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना शेयर देती है 1.5 लाख रुपए, राज्य सरकार अपना शेयर देती है 1 लाख रुपए और जो बचा शेयर होता है लगभग 7.5 लाख रुपए का घर जो बनता है वो बेनिफिशियरी को अपने से देना पड़ता है। चूँकि ये कुष्ठ रोगी है और इकोनॉमिकली इतने स्ट्रेंथफुल नहीं है कि ये शेयर बेयर कर सके, तो हमने आज एक CSR के तहत अगर ये बेनिफिशियरी का शेयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर कोई बेयर कर सकता है, इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन आज यहाँ पे आयोजित किया था, जिसके तहत टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील के लोग आए हुए थे। उन्होंने आज ये प्रेजेंटेशन को सुना और सुनने के बाद इन्होंने अपने मैनेजमेंट के साथ बात करके एक विचार विमर्श करके ये हमें बताएंगे कि हम कुष्ठ रोगियों के लिए जो घर बना रहे हैं पार्टनरशिप में सरकार के साथ, उसमें ये हमारे साथ भागीदार होना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। इसके संदर्भ